हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा वाइंस। आज हम मूवी रिव्यू करने जा रहे हैं एक सुपरहिट मूवी का, जिसका नाम है पुष्पा द पार्ट वन। पुष्पा मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। आई एम श्योर अब आप एक्साइटेड हो ही गए होंगे, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट करा है सुकुमार ने, जिनकी दो और मास्टरपीस मूवी है एक और दंगास्थलम। इस मूवी की लीड कास्ट में है अल्लू अर्जुन और रश्मिका। पुष्पा एक कॉमर्शियल फिल्म है, एक मास एंटरटेनर मूवी। आखिरी अगर कोई तेलुगु मूवी जो सुपरहिट हुई थी वो थी बाहुबली। उसके बाद अगर कोई इस लेवल की आई है तो वो है पुष्पा। अब बात करते हैं प्लॉट के बारे में। इस मूवी की कहानी है सैंडलवुड स्मगलिंग के ऊपर। अगर आसान भाषा में बोले तो मूवी की कहानी बेस्ड है चंदन की तस्करी के ऊपर। पुष्पा एक क्राइम ड्रामा मूवी है। आपने इस टाइप की मूवी पहले भी देखी होगी, बट इस मूवी को बनाने का स्टाइल काफ़ी अलग है। इस मूवी के हर एक सीन को काफ़ी कॉमर्शियल स्टाइल से बनाया है। ये एक गैंगस्टर मूवी है। मूवी देखते हुए आपको स्कारफेस वाली वाइब्स आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी स्कारफेस से इंस्पायर्ड है। अगर बात करें एक्टिंग की तो सबने कमाल की एक्टिंग करी है, लेकिन अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस एक नंबर की है। उन्होंने पूरी फिल्म में जान लगा दी। उनकी ये अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। फिल्म की लोकेशन आपको नई दुनिया में लेके जाती है, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, और यही चीज़ इस फिल्म को काफ़ी यूनिक बनाती है। फिल्म का एक्शन भी काफ़ी कमाल का है। फिल्म में कहीं कहीं अच्छे एक्शन सीन भी है। हाँ, कुछ कुछ साउथ वाले एक्शन सीन भी है, आई होप आप समझ ही गए होंगे। शायद इन्हीं बातों की वजह से इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपये कमा लिए, और जबकि इसका कॉम्पिटिशन स्पाइडरमैन नो वे होम से था, तब भी ये फिल्म काफ़ी सुपरहिट रही। अब आई एम श्योर कि मुझे ये कहने की नीड नहीं है, अब आप खुद ही एक्साइटेड हो गए होंगे मूवी देखने के लिए। सो जस्ट गो एंड वॉच पुष्पा मूवी। वी हैव टू गो नाउ, बट वी विल कम बैक सून विद अवर न्यू मूवी रिव्यू।